कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव जी के रूप में आना, तुम शिव जी के रूप में आना। गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके कमल हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके रुक्मण साथ लेके बांसुरी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणेश रूप में आना, तुम गणेश रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनके कभी श्याम बनने के चले आना। स्वामी कामना को पूरा करो जय बलिहा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पार्वती के पुत्र कहो शंकर सुत स्वामी गजानन गण नय भक्त की स्वामी। सिद्धि सिद्धि के माली मुसक सवारे कर जोड़ विनती कर आनंद दुर्वारी। बजम आप पूजत शुभ मंगलदार सिद्धि हो सब कर दे जहत जाता। सुन सुड़ा मस्त कर चंदा कर सकराओ कट सिद्धि फंदा। गप जी आरती जुग नर गावे बची बंधु करम पद पाए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सिद्धि सिद्धि सहित पधार जो भगवान सिद्धि सिद्धि सहित पधारो। चांदी की चौकी में सीता मेवा और राम जी करो कलेवा। चांदी की चौकी में सीता मेवा और राम जी करो कलेवा। तो अब बना रही मैं चाय। एक चाय तो बन चुकी है। एक एक पहले
उठते ही पी ली थी, और ये सेकंड चाय है, तो अभी सेकंड चाय बन रही है। तो जिसको जिसको चाय पीनी है गर्मा गर्म वो आ जाए, तैयार हो रही है कॉफ़ी और चाय दोनों। तो मैं पहले कॉफ़ी बनाऊंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी, तो दोनों चीज़ें मैं एक साथ ही बनाती हूँ। ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि दोनों वीडियो दोनों चीज़ें अपन एक साथ कैसे बना सकते हैं, तो ये चीज़ मैंने उसमें दिखा रखी है, आप ज़रूर वॉच करना। और कई कमेंट आते हैं कि अभी एक कमेंट आया था, मैं बताती हूँ आपको, उसमें मैंने छत वाला वीडियो बनाया था, तो उन्होंने कहा कि पूछा कि आपकी आप क्वार्टरों में रहते हैं क्या? नहीं तो हम क्वार्टरों में नहीं रहते हैं, और छत पहले की पुरानी छतें ऐसी होती हैं, अब जो नई छतें होती हैं उनके ऊपर टाइल्स बिछा देते हैं, लेकिन हमारे पापा जी ने बना रखी है, मतलब मेरे ससुर जी ने बनाई थी, तो वो इस तरह से बनाते थे पहले के ज़माने में, तो वो इसलिए ऐसी है। तो इस बात का आपको जवाब मिल गया होगा। और बच्चे, दो बच्चे हैं मेरे, और हस्बैंड का बिजनेस है, और मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ये काम कर लेती हूँ। तो आप बने रहना मेरे साथ में, और तो चाय पीते हैं, आप जिनको भी चाय पीनी है वो आ जाए, चाय तैयार हो रही है। तो आज देखो ये लाई हूँ मैं ऊन के गिट्टे, और इससे अपन बनाएंगे लड्डू गोपाल की ड्रेस। वैसे तो मार्केट में मिल रहे हैं, लेकिन मुझे वो कम पसंद आई थी, और मुझे क्रोशिया और सिलाई दोनों चलानी आती हैं, तो मैं देखो ये क्रोशिया भी लाई हूँ एक नया, मेरे पास था लेकिन वो मुझे मिला नहीं है, तो ये मैं नया लेके आई हूँ स्टील का। और ये गिट्टे, तो ये 6 तो ये गिट्टी लाई हूँ, और ये तो 7-7 रुपए के तो मुझे ये दिए हैं, बोले दिए हैं उनके, और 10 रुपए का ये दिया है। तो आज मैं अभी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाऊंगी प्यारी प्यारी। तो पहले मैं एक लड्डू एक बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद और डिज़ाइन बनाऊंगी, ठीक है ना? तो बने रहना ब्लॉग के साथ में। कौन सा कलर अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन मुझे बताना, मुझे तो ये दोनों, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है, और इसके साथ ये कॉम्बिनेशन भी, और वाइट के साथ ये डार्क, मतलब वाइट लाइट हो जाएगा और ये डार्क हो जाएगा, तो दोनों कलर ये भी अच्छे लग रहे हैं, और येलो के साथ पिंक भी बहुत सुंदर लग रहा है, और पिंक के मतलब गुलाबी हो गया ये मजेंडा कलर, इसके साथ ये भी सूट कर रहा है, और येलो के साथ ये थोड़ा लाइट लग रहा है, ये देखो ये भी अच्छा लग रहा है, और ये भी अच्छा लग रहा है। कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना करके, वैसे क्रोशिया से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि सिलाइयाँ मेरी सारी ख़त्म हो चुकी है, फेंक दी मैंने वो, कैसे ऐसे कर दी उनको, क्योंकि अभी स्वेटर्स की ज़रूरत है, हाथ वाले की ज़रूरत नहीं होती है, रेडीमेड पहनते हैं, तो वो सारी सिलाई मेरी ख़त्म हो गई है। तो कोई बात नहीं, अपन इससे सिलाई क्रोशिया से बनाते हैं, तो बने रहना ब्लॉग के साथ में। अब देखो फ्रेंड, मैंने बना तो दी, लेकिन ये थोड़ी सी कम रह गई है, देखो यहाँ से ये बाहें बना रही थी मैं, एक बाह तो बना दी इधर से, और ये पूरी हो गई कंप्लीट, बस थोड़ा सा यहाँ से बाकी रह गई है। तो अभी ये तो सारे ख़त्म, वो ये जो कलर है ये ख़त्म हो गया, वाइट भी ख़त्म हो गया, वाइट भी इतना सा बचा है, और ये कलर मैं लगाना नहीं चाह रही क्योंकि ये फिर मैच नहीं करेगा, तो ऐसा कलर मुझे और ख़रीदना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसा, फिर कैप में तो ये वाइट वाली इतनी सी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो कलर है इसको थोड़ा और एक गिट्टा और लाना पड़ेगा। तो अभी मंगवाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको पूरी ड्रेस पहना करके, और मुझे कमेंट में बताना कैसी लग रही है। ये देखो अभी पूरी तैयार नहीं है, मोती वोती लगाने, अभी तो पूरी तैयार करके फिर दिखाऊंगी आपको। तो ये थी अपनी लड्डू की ड्रेस, लेकिन पूरी नहीं बन पाई है, तो कल मैं इसको पूरी बना करके आपको दिखाऊंगी। और ये जो वीडियो है अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, और बहुत अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहना। आपका सपोर्ट के लिए, आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक शानदार और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। बाय बाय।